और आज वो केस एक मर्डर केस में तब्दील हो गया, इसके बारे में सब जानकारी दीजिए। कल रात में तेजपाल पुत्र नरेश पाल ग्राम बचेरा थाना 10:30 बजे करीब जो है सूचना दी कि मैं अपने पत्नी के साथ में प्रहलादपुर अपने बहन के देवरानी से मिलाने अपने पत्नी को लाया जी। वहाँ से खाना खा करके जब मैं 9:30 बजे करीब चला तो इधर मझियावा की तरफ, तो रास्ते में एक फोर व्हीलर खड़ी थी जिसमें 4 लोग थे, मेरे मोटरसाइकिल पर रोका और चाकू दिखा करके और मेरे गाड़ी की चाबी छीन ली, चाबी फेंक दी, मुझे धक्का दे दिया, मेरे पत्नी को गाड़ी पर ढाल करके भाग दे। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पहुंची, छानबीन दी गई और इसकी बातों से शक रात में हो गया था कि कुछ इसी द्वारा गड़बड़ किया गया है, और चूँकि तहरीर इसके द्वारा देखिए उस तहरीर में रात में मुकदमा लिखा गया है 152/20 धारा 366 मनामा अज्ञात के नाम, क्योंकि शक के घेरे में रात में आ गया था, इसके बयानों से आ गया था। तो सुबह रात में से अपने ससुराल में सूचना दी रही थी, पुलिस द्वारा ही सूचना दी गई, इनके ससुराल वाले आ गए, उन्होंने कहा साहब ये लड़की को इसके पहले जो है करीब 6-7 महीने से निभाने के लिए जा रहे थे, लड़की से बात करते थे और दहेज मांगते थे, मारते पीते थे, इस पर दुष्चरित्र बढ़ गया, हमें शक है कि हमारी लड़की किसने मार दिया, उसका कहीं कोई फीडबैक नहीं था, उनकी भी तहरीर ली गई। इसके बाद इनसे पूछताछ की गई तेजपाल से, पूछताछ के दौरान इसने जो है स्वीकार किया कि साहब हाय मैं टीवी खरीदने के लिए पैसा मांग रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं दिए, मैं दहेज में कुछ नहीं दिए और लड़की ठीक से मुझसे बात नहीं करती थी, तो मैं अपने रास्ते सटाने के लिए अपने दोस्त को दिया जो इसी गांव प्रहलादपुर का ही है, उससे मैं परसों ससुराल से अपने पत्नी को लाया था, मेरा प्लान परसों ही था, पर परसों 14 तारीख को सफल नहीं हुआ, तो 15 को मैंने अपने दोस्त से प्रहलादपुर में मिलने लगा, पहले जो अपने बहन के देवरानी से मिलाने लाया उसको वहाँ छोड़ करके अपने दोस्त के साथ उसको लाश छिपाने के स्थान पर रेडी किया, फिर इसके बाद मल्ले के पत्ते पर आया और वहाँ पर अपने दोस्त के साथ मिलकर के मार के उसको जो है सड़क में के नीचे बनी पुलिया में जिसमें पानी भरा हुआ है उसके अंदर छिपा दिया। सर जहाँ इन्होंने अपहरण की घटना बताई थी और जहाँ उस महिला का शव मिलाया वो कितनी दूरी होगी सर? उसमें करीब मैं समझता हूँ 1 किलोमीटर का था, अच्छा उसके पति ने खुद ही जुर्म कबूल किया, एक्सेप्ट किया स्वयं, वाले जुर्म किया है, अब उनके लड़की के पिता द्वारा जो तहरीर दी गई उसके आधार पर कार्रवाई की गई।